अस्सलाम वालेकुम। आज मैंने आपको कहा चलें आपको एक क्रॉस दिखाता हूँ जो कि मैंने ब्लैक पर्ल के साथ हॉट हंगेरियन वैक्स का किया था और उसका कुछ रिज़ल्ट ऐसे आया है तो देख रहे हैं आप, जिसमें ग्रीन, फिर ये ब्राउन, हल्की सी ब्राउन हुई है, फिर ये ब्लैक हुई है एंड देन रेड। ये जो है ये ब्लैक पर्ल के साथ हंगेरियन हॉट वैक्स का कम्बिनेशन किया था, क्रॉस पॉलिनेशन की थी तो उसके साथ ये बना है प्लांट। तो बड़ा ज़बरदस्त इसका रिज़ल्ट आया है। साइज़ एज सच इतना नहीं बना लेकिन ब्लैक पर्ल अपने साइज़ से बड़ी हो गई है और हॉट हंगेरियन हॉट वैक्स अपने साइज़ से थोड़ी छोटी हो गई है। और कलर जो है वो ऑब्वियसली उसने रेड लिया है और बाकी कलर जो है वो उसने ब्लैक पर्ल के उठाए। तो ये बड़ा एक ज़बरदस्त यूनिक था। ब्लैक पर्ल का जो शेप था वो गोल बिल्कुल राउंड होता है लेकिन इसका जो था वो बिल्कुल उसने हॉट हंगेरियन वैक्स का जो है अडॉप्ट किया है और इसकी जो मतलब हीट है वो बिल्कुल उसने ब्लैक पर्ल और हॉट हंगेरियन हॉट वैक्स को क्रॉस जब हुआ है तो ये और हीट इन दोनों की जो है इन दोनों से ज़्यादा हो गई है। तो एक बड़ा यूनिक एक्सपीरियंस रहा और माशाल्लाह बड़ा बेहतरीन रहा। मैं आपको उसका प्लांट दिखाता हूँ। ये प्लांट मैंने फेस्टिवल हमारा जो हुआ था उसके अंदर भी हमने ये डिस्प्ले के लिए रखा था लोगों, लेकिन ये कि वहाँ हालत बहुत ख़राब हुई थी क्योंकि हवा बड़ी तेज़ चल रही थी। एनीवेज अभी आपको मैं प्लांट दिखाता हूँ। तो ये है वो प्लांट और देख रहे हैं आपको कुछ नीचे रेड भी नज़र आ रही है, यहाँ छुपी हुई है रेड, देख रहे हैं ये रेड है। और वहाँ अभी कुछ प्लांट्स में देख रहे हैं उसमें ब्लैक भी नज़र आ रही हैं है। और ग्रीन वाली जो है वो मोस्टली तब्दील हो गई है लेकिन अभी ये फ्लावर्स जो लग रहे हैं इसमें आपको फिर ये एक सेकंड इसको थोड़ा सा एक तो इसका फोकस जो है ना, अभी ये फ्लावर्स लग रहे हैं तो उसके बाद फिर ये देखें अभी ये ब्राउनिश टाइप की ये रही, ये भी ये ब्राउनिश टाइप की, ये ग्रीन से अभी ब्राउन में चेंज हुई है और इसका हीट स्केल और इंक्रीज़ हो गया है। और ये बड़ी एक अचंभे वाली बात थी, ये देखें आप इसकी भी, और ये जो नीचे है वो रेड हो गई हैं, ये भी रेड हो गई हैं, ये भी रेड हो गई हैं, और ये देखें ग्रीन नज़र आ रही है आपको, और ये एक और ग्रीन, ये रही ये। बहरहाल ये जो है वाइट ये पॉलन गिरता है तो इसका पॉलिनेशन जब सुबह करते हैं तो उसकी वजह से जो है ना ये सारा इसका पॉलिनेशन का जो है पॉलन गिरता है। बहरहाल मैंने कहा आपको दिखाऊं, ये मैंने डिस्प्ले में रखा था उस फेस्टिवल के अंदर जो कि गार्डन फेस्टिवल था और प्लांट्स भी थे, वो इंशाल्लाह बाद में दिखाऊंगा आपको। तो मैंने कहा आपको दिखाऊं। अच्छा वही बात है कि सीड्स अगर किसी को चाहिए तो मिल जाएंगे लेकिन वही बात है कि जिसने सीड्स लेने हैं वो आप यहाँ पर आके मैं भिजवा नहीं सकता, सॉरी किसी को। इसका फ्लावर भी देखें, बड़ा फ्लावर की जो हैबिट है वो बिल्कुल उसकी उसको पड़ गई है, क्या कहते हैं, तो यार ये फोकस का बड़ा मसला हो रहा है। फ्लावर की हैबिट जो है उसके ऊपर है, ब्लैक बल्ब से मिलती जुलती है बिल्कुल, ठीक है, पर्पल टाइप का। एनीवेज अभी फोकस का बड़ा मसला हो रहा है इसमें। तो ये DWC में लगा हुआ है और ये वहाँ पर दिखाया था, अब वहाँ इतनी हवा चल रही थी वहाँ फेस्टिवल में कि बार बार गिर रहे थे और बड़ी मुश्किलों से हमने बांधना पड़ा। और माशाल्लाह इसकी आप देखें, इसकी स्टेम भी माशाल्लाह फुल ज़बरदस्त किस्म की इसकी स्टेम हो चुकी है, बेहतरीन मोटी, और ये हमारे हार्वेस्टेड। तो फिर इंशाल्लाह आपको इसकी अपडेट दूंगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, अपने प्लांट्स का भी। अल्लाह हाफिज़, स्टे ब्लेस्ड।